अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाय YouTube चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो फैंडम एक्स की। मोबाइल फोन पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इस मोबाइल फोन की प्राइस ने सब लोगों को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मोबाइल फोन की प्राइस 35,000 होगी या फिर 45,000 होगी। लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो इस मोबाइल फोन की प्राइस जो अनाउंस की गई है वो 70,000 है, जिससे सब लोग हैरान होकर रह गए। सो गाइस, अगर आप टेक्नो फैंडम एक्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या इस मोबाइल फोन की प्राइस, इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाइज करती है या नहीं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्नो फैंडम एक्स के डिस्प्ले साइज की। तो यहां पर आपको 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको इस मोबाइल फोन पर रेजोल्यूशन 1080 की प्लस फुल एचडी देखने को मिलेगी। अगर बात करें पैनल की, तो यहां पर आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा, जो आपको 60 पिक्सल का कलर भी प्रोवाइड करेगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के रिफ्रेश रेट की, तो यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस मोबाइल फोन पर दिया गया है, और साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों साइड पे देखने को मिलेगी। और साथ ही बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के इंटरनल की। ये मोबाइल फोन 8GB रैम और 256GB रोम के साथ पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। और साथ ही बात करेंगे इस मोबाइल फोन की बैटरी की, तो इस मोबाइल फोन के साथ 4700 की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही बात करेंगे फास्ट चार्जर की, तो इस मोबाइल फोन के साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। और ये टेक्नो कंपनी की जानिब से दावा किया गया है कि ये मोबाइल फोन 30 मिनट के अंदर 70% जो है वो चार्ज होगा, और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45 मिनट के अंदर आप इस मोबाइल फोन को मुकम्मल चार्ज कर सकते हैं। और आप बात करेंगे इस मोबाइल फोन की चिपसेट की, तो इस मोबाइल फोन में आपको MediaTek Helio G95 की चिपसेट देखने को मिलेगी। साथ ही बात कर लेते हैं कैमरास की, तो बैक साइड पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। अगर बात करें थर्ड कैमरा की, तो थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा। ये तीन कैमरा बैक साइड पे दिया गया है, और साथ आपको LED फ्लैश भी दी गई है, और इस मेन कैमरे से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट पे आपको डबल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो एज है, यहाँ पर आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगी। लेकिन आपको फ्रंट पे डबल कैमरा दिया गया, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और फ्रंट पे आपको LED फ्लैश भी दी गई है, और फ्रंट कैमरे से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 OS का सॉफ्टवेयर रन करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो इस मोबाइल फोन के तमाम तरह मेन फीचर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब बात करें इस मोबाइल फोन की प्राइस की, तो इस मोबाइल फोन की प्राइस मुझे बहुत ज्यादा लगी है, क्योंकि इस मोबाइल फोन में आपको MediaTek Helio G95 की चिपसेट देखने को मिल रही है, लेकिन इस प्राइस रेंज में काफी कंपनीज Qualcomm Snapdragon 888 की चिपसेट दे रही है। तो यहाँ पर एक चीज की ये ज्यादती हुई है, यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा रखी गई है, लेकिन यहाँ पर चिपसेट उतनी अच्छी नहीं दी गई जितनी इस मोबाइल फोन की प्राइस है। और सेकंड फीचर इस मोबाइल फोन का जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इस मोबाइल फोन का रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस प्राइस रेंज में मिलना चाहिए था। सो गाइज, इस मोबाइल फोन के फीचर जो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये मोबाइल फोन कैसा लगा है, क्या आप इस मोबाइल फोन की प्राइस से इत्तफाक करते हैं, या आप डिसअपॉइंट है इस मोबाइल फोन की प्राइस को देखकर, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो अपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मोबाइल फोन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।